आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं अपना एक सपना जीने को मिला इस शो के दौरान, और मेरे डैड काफ़ी खुश थे, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी मुझे बता दी, जब उन्होंने पेपर्स दिए थे, जब उन्होंने पेपर क्लियर किए, जब एकेडमी गए, वहाँ क्या क्या होता था, सब कुछ मुझे बताया। कर्मा कॉलिंग में मेरा कैरेक्टर बहुत ही वरुण से रिलेटेबल था, वो एक दिल फेंक आशिक था, वो एक मामाज बॉय था, वो बहुत इमोशनल, उसको इमोशन की समझ थी। आई थिंक रवीना मैम से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला राइट फ्रॉम डे वन। एक तो उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया, विच वॉज द बेस्ट पार्ट। ऐसे किसी शो पर आता था तो हाफ द पीपल केम फॉर रन भाई, उनकी कोई गाइडेंस मिल जाए या फिर उनको एक बार देखने को मिल जाए। आई थिंक मैं उसी रीजन से आया था। This is Harshita Babele and you're watching me on Filmi Gyan. और आज हमारे साथ स्टूडियो पर एक हैंडसम हंक मौजूद है जिनका नाम है वरुण सूद। Hi. Hello वरुण, welcome to Filmi Gyan. Thank you for having me. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है आपको आज Filmi Gyan में आके? मैं काफी खुश हूँ, मुझे काफी मजा आता है when I get to interact with everybody and get asked questions. Okay, वरुण, आपकी अपकमिंग सीरीज है नाम नमक और निशान, 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक ये शो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरा एक टाइम पे ड्रीम था कि मैं एक फौजी बनूं, और एक फौजी बनने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आप अकेडमी में जाते हो, एंड ये शो उसी अकेडमी के बारे में है। एक कैडेट का क्या माइंडसेट होता है, एक कैडेट का क्या इमोशनल वेलबींग होती है इन दैट अकेडमी। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं अपना एक सपना जीने को मिला इस शो के दौरान, और मेरे डैड काफ़ी खुश थे कि फाइनली उन्होंने अपने बेटे को यूनिफॉर्म में देख लिया, क्योंकि वो भी एक फौजी है, तो काफ़ी इमोशनल जर्नी थी ये। आपको कितना डैड का सपोर्ट रहा, क्योंकि एक रोल को प्ले करने के लिए वो रोल को समझना पड़ता है, एक आर्मी का कैरेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो क्या आपको एक सपोर्ट मिला आपके फादर की तरफ से? आई थिंक जब मैंने अपने डैड को बताया था इसके बारे में कि मुझे ये एक शो मिला है, इट्स अबाउट द एकेडमी, इट्स अबाउट अ कैडेट, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी मुझे बता दी, जब उन्होंने पेपर्स दिए थे, जब उन्होंने पेपर क्लियर किए, जब एकेडमी गए, वहाँ क्या क्या होता था, सब कुछ मुझे बताया। एंड आई थिंक वहीं से मैंने कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लिया, मैं वो माइंडसेट में आ पाया कि जब मैं वो कैरेक्टर प्ले करूँगा तो मुझे ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, तो मेरे डैड का एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट था टू शेप युवराज सिंह चौहान। कितना डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर को एक्ट करना, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए इस कैरेक्टर के? आई थिंक मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मुझे सिविल लाइफ में काफ़ी टाइम हो गया है अभी, और मैं कभी अकेडमी गया नहीं हूँ, और जो कैडेट का माइंडसेट होता है वो एक कैडेट का माइंडसेट ही समझ पाता है, तो मुझे रीज़न चाहिए था कि मैं वो पेट्रियोटिज्म का जो रीज़न है जो मेरे में एक टाइम पे था काफ़ी ज़्यादा कि मैं फौज ज्वाइन करूँगा, मुझे वापस रिवाइव करना पड़ा। फिर द फैक्ट दैट एक फिज़िकल ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है एक कैडेट की, उसके बावजूद वो अगले दिन उठ के उतनी मेहनत करता है, मुझे वो जोन समझना पड़ा, तो काफी ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो मुझे समझने पड़े इस शो के लिए। वरुण, इससे पहले आपने कर्मा कॉलिंग एक सीरीज करी थी, उसमें आपका कैरेक्टर टोटली अपोजिट था इस कैरेक्टर से, तो कंपैरिजन में आपको कितना क्या क्या लगा कि ये रोल मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट है या वो रोल ज्यादा डिफिकल्ट था? कर्मा कॉलिंग में मेरा कैरेक्टर बहुत ही वरुण से रिलेटेबल था, वो एक दिल फेंक आशिक था, वो एक मामाज बॉय था, वो बहुत इमोशनल, उसको इमोशन की समझ थी, और बहुत ही मतलब इनोसेंट प्यारा आदमी था। युवराज सिंह चौहान को इमोशंस की समझ नहीं है, उसके डैड भी आर्मी में रह चुके हैं युवराज के, और हमेशा उसको एक डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने को मिली है, और काफ़ी प्रेशर है उस पर, और उसे वो प्रेशर समझ नहीं आता कि वो कैसे हैंडल करे, एंड दोस्त भी युवराज के कम है, अपने में रहता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड एक्सप्रेस करना जानता नहीं है, तो मुझसे एकदम अलग है वो, तो मुझे ये कैरेक्टर बिल्ड करने में काफी टाइम लगा और काफी मुश्किल था ये। कर्मा कॉलिंग में आपने रवीना मैम के साथ भी काम किया, कैसा रहा आपका रवीना मैम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? आई थिंक रवीना मैम से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला राइट फ्रॉम डे वन। एक तो उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया, विच वॉज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैं फिर डे वन से कम्फर्टेबल हो गया था, और द फैक्ट दैट उन्होंने इतना काम किया लाइफ में, उसके बावजूद टू हैव द सेम हंगर टू वर्क इस कमेंडेबल, और मैंने वही सीखा कि कभी वो जो भूख है वो जानी नहीं चाहिए जी। आगे की आपकी जो जर्नी है, आपने रियलिटी शोज में भी काफी पार्टिसिपेट किया है, तो रियलिटी शो और सीरीज में
आपको क्या लगता है कि वरुण की पर्सनालिटी एक रियलिटी शो वाली ज्यादा बेटर रहती है या ये एक्टिंग में आपका ज्यादा हो रहा? मैं एक्टिंग में आई थिंक मैं ज्यादा बाहर निकल सकता हूँ, मैं ज्यादा वोकल हो सकता हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता हूँ, क्योंकि क्या है, जब आप रियलिटी शो में होते हो तो आपका हमेशा कॉम्पिटिशन ऑन रहता है कि आपको जीतना है, आपको ये करना है, वो करना है. आई थिंक जब आप एक सीरीज में काम करते हो, बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग इन अ फिक्शन शो इज कि सबका मोटिव वही है कि हमको एक बढ़िया शो बनाना है, हमको एक बढ़िया फिल्म बनानी है. और जब व्हेन यू वर्क टुगेदर एज अ टीम तो हमेशा अच्छी ही चीज़ निकलती है, और तब आपकी आई थिंक रियल पर्सनैलिटी बाहर निकलती है, क्योंकि यू नॉट देयर फॉर एनी कॉम्पिटिशन, सबका मोटिव वही है. तो मेरे लिए आई थिंक वरुण के लिए रियलिटी शोज नहीं, फिक्शन ही बेटर है. ओके, वरुण कर्मा कॉलिंग में आपके अपोजिट कर्मा का एक केमिस्ट्री आप लोगों की काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई है, तो वरुण के लिए कर्मा क्या है? मेरे लिए कर्मा क्या है इन टर्म्स ऑफ लाइक कर्मा वे में कर्मा जो एक होता है और एक आपकी जो केमिस्ट्री कर्मा के साथ है वो भी. मेरे लिए कर्मा वो है कि जो आप लोगों के साथ करोगे वो आपके साथ होगा, और कर्मा के साथ जो मेरी केमिस्ट्री थी नम्रता के साथ वो 50-50 थी. बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर है वो, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, एंड हम दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कर्मा कॉलिंग में लीड्स प्ले करना. तो हम दोनों ने वो बात समझी दूसरे के लिए एंड एक दूसरे को सपोर्ट किया, एंड आज तक मतलब हमारी बात होती है, आज तक हम मिलते हैं. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरा पहला बड़े शो में नम्रता मेरे साथ थी. और अपकमिंग सीजन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लोग फैंस पागल हो रहे हैं कि सीजन 2 कब आएगा. जल्द, बहुत जल्द आएगा. ओके, चलिए, इससे पहले अभी जो खतरों के खिलाड़ी भी आपने किया हुआ है, खतरों के खिलाड़ी अभी चल रहा है, स्प्लिट्सविला भी आपको चल रहा है, क्या आप स्प्लिट्सविला फॉलो कर रहे हैं? मैं दोनों फॉलो नहीं कर रहा लेकिन स्प्लिट्सविला को आपका पता होगा कि होस्ट हमारे अब रणविजय सर नहीं है, तनुज सर है. मुझे बस इतना पता है कि वो नहीं है, कि भाई नहीं है, बाकी मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा. अच्छा, हाँ. तो कितना आपको डिफरेंट लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि स्प्लिट्सविला से वो वाइब चली गई है, या रणविजय सर का एक ऑरा था, एक पूरा सीजन था, रणविजय सर का नाम था उस? मुझे इतना पता है कि जब जब कोई शो पे आता था, ऐसे किसी शो पे आता था, तो हाफ द पीपल केम फॉर रण भाई, उनकी कोई गाइडेंस मिल जाए या फिर उनको एक बार देखने को मिल जाए. आई थिंक मैं उसी रीजन से आया था कि आई वॉन्टेड टू नो हिम एज अ पर्सन एंड स्पेंड टाइम विद हिम. लकीली हमारा बॉन्ड आगे भी कंटिन्यू हुआ, लिटरली वो मेरे भाई की तरह. बट सबका माइंडसेट अलग होता है. आई थिंक मैं अपने ही बात कर सकता हूँ कि इसमें मेरा माइंडसेट अलग था. आई वांटेड टू बी देयर फॉर हिम. तो वरुण, अब आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है नाम ये वाला जो सीरीज आ रही है, इसके ऊपर आप और क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक ये एक ऐसा शो है जो मैं चाहूंगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है ऑफ CDS एंड हु वांट टू जॉइन द आर्मी, वो उसे इंस्पायर हो सके. हम ये दिखाना चाहते हैं कि जर्नी बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं होता एक फौजी बनना, बट वर्थ इट होता है. वहाँ पर भी जब हम थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, तो जितने भी कैडेट थे वो बोल रहे थे कि सर मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और फिजिकली मेंटली इमोशनली हम लोग रोज़ टूटते हैं, पर हम रोज़ बनते भी है, एंड यही हमको एक ज़िम्मेदार फौजी बनाता है. तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें, स्पेशली पीपल हु आर इन द 12th स्टैंडर्ड और इन द कॉलेज, प्लीज़ देखो ये शो. And I hope you get inspired to join the army. आपने जैसा कहा कि आपने उनके साथ time spend किया, आपने army की life सीखी, तो आपको क्या difference लगा और कितना आप connect कर पाए? I think हमारे normal जिंदगी में ना, हमारे पास downtime करने के लिए हम phone पे लग गए, हमने किसी से बात कर ली, हम कहीं बाहर घूमने चले गए, उनका downtime नहीं होता है, वो पूरा time उसी environment में रहते हैं. तो मैंने कभी कभी देखता था कि सुबह उठ के उनका वो जो drill चालू हो जाती थी, फिर वो क्लासरूम जाते थे, फिर अगर कुछ गलती की तो किसी ने पनिशमेंट दे दी, खाने के पहले पनिशमेंट दे दी किसी ने, उसके बाद अगर कुछ सही से कपड़े नहीं पहने तो फिर पनिशमेंट दे दी, उसके बावजूद अगले दिन उठना और वही सब चीज़ें करना और वही सब डिफ़िकल्टीज फेस करना किसी हिम्मत वाले के अंदर ही होती है. आई थिंक मैंने उनसे ये सीखा कि गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. अगर आप डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हो तो आप गुजरो, एंड इवेंचुअली आपको वो मेहनत रंग लाएगी. तो मैंने ये सीखा उन लोगों से. आपका बचपन का सपना था आर्मी मन में, क्या अब आपने जब वो लाइफ देखी है तो अब क्या वरुण बनना चाहेंगे? अब शायद मुझे लगता है कि एक रीजन से शायद मैं गया नहीं, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत थी नहीं. वहाँ के कैडेट्स इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इतने फिजिकली स्ट्रांग होते हैं कि अगर मैं अभी चाहूँ भी तो शायद मैं वो कर ना पाऊँ, बिकॉज एक अलग ही जज्बा चाहिए, एंड शायद वो मुझ में नहीं था, तभी शायद मेरा आर्मी में हुआ नहीं या मैंने कोशिश ही नहीं की. पर इन लोगों में अलग जज्बा है, एंड आई होप जब ये लोग शो देखेंगे तो वो जज्बा उनको
मिले और वो मोटिवेशन उनको मिले. इसमें कुछ फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी दिखाया जा रहा है, वो फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? फ्रेंडशिप आई थिंक मेरे डैड ने मुझे बताया था जब वो अकेडमी में थे, तो उनके जो दोस्त तब थे वो आज भी है. क्या होता है ना कि जब आप एक इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ पर आपकी फैमिली आपसे दूर है, आपके दोस्त आपसे दूर है, फ़ोन चलाने को नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, तो वही आपका इन्वायरमेंट बन जाता है, वही आपकी फैमिली बन जाती है. एंड एक आर्मी अकेडमी भी यही होता है कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपके साथ पनिशमेंट भी सह रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, ड्रिल भी कर रहे हैं, सब कुछ साथ में कर रहे हैं, तो वो भाईचारा बन ही जाता है. एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि वेन यू आर देयर फॉर द सेम पर्पस कि हमको देश की सेवा करनी है और देश के लिए कुछ करना है, तो वो भाईचारा क्रिएट हो ही जाता है. तो आई थिंक ये है उनमें. साथ में काम करते हुए हमारे बहुत सारी ऐसी मेमोरीज बनती है जो हम याद रखते हैं, तो BTS की आपकी कोई ऐसी फेवरेट मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें? फेवरेट नहीं, खौफनाक तो मैं बोलूंगा एक टाइम पे कि वहाँ पर ना एक ड्रिल उस्ताद होते हैं जो कैडेट को ड्रिल सिखाते हैं, तो क्योंकि हमारी यूनिफॉर्म भी सेम थी उनकी तरह, तो कभी कभी मैं और मेरा कोस्टार दानिश हम लोग फ़ोन चला रहे हैं, एक साइड में बैठ के हम लोग आराम से बातें कर रहे हैं, तो वो ड्रिल उस्ताद देखता था और हमारे पीछे भागता था कि तू क्लासरूम के बाहर आया कैसे, तो उनको कन्विंस करने में कि नहीं सर हम लोग एक्टर है, हम लोग यहाँ कैडेट नहीं है, तो वो काफ़ी हमारे लिए स्कैरी हो गया था. और ये काफ़ी बार हुआ हमारे साथ कि कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कभी टाई ऐसे निकाली हुई, तो वो बोलते थे ऐसे नहीं चल सकते हो, अरे सर पर हम लोग एक्टर है. अच्छा तो ऐसे खुलने में मत चलो नहीं तो वो लोग पिट जाएंगे. अच्छा, आपको डांट पिट जाती थी? काफी डांट पड़ी है मुझे, काफी डांट पड़ी है. फिर उससे आप क्या सीखे कि ओ माय गॉड? और हम भी मतलब उस टाइम पे हम भी बौखला गए कि यार अभी यहाँ पे क्या जवाब दे कि मारना पड़ जाएगा गलती से. चलिए तो हमारा एक सेगमेंट है व्हाट द कमेंट शो, जिसमें हमने आपकी प्रोफाइल से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किया है और आपको उस पे रिएक्ट करना है. ठीक है, ओके. आई गेस ही विल मेक अ गुड ऑनलाइन पेयर विद जेनिफर विंगेट. 100% इफ आई गेट टू वर्क विद जेनिफर विंगेट मैं तो बिल्कुल काम करने कौन मना करेगा यार. ओके, That little goes well with his ex. If you know, you know. Hashtag karma calling. Oh, which ex are you talking about? Okay. Caption should be enjoying life after breakup with some toxic besties. Ups GF. ये comment था? You know, मेरी social media team काफी efficient है, मुझे पढ़ने देती नहीं है, तो शायद block कर दिया होगा तो. But आप तो भी क्या reaction देंगे? I don't know what picture you're talking about. I think you have posted this picture with your co-star, like Namrata. फिर अच्छी फोटो होगी तो लोगों ने ऐसे सोचा होगा कि मैं लाइफ में सही कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, तो थैंक्स आई गेस. हैशटैग शो है, मैं आपको एक कुछ हैशटैग दूंगी और आपको उन नाम दूंगी और आपको उनको एक हैशटैग देना है. ओके, रणविजय सर. हैशटैग ब्रदर. प्रिंस सर. Hashtag reality king. Raveena ma'am. Hashtag OG queen. Sunny Leone ma'am. Hashtag hard worker. Basir. यार मैं एक्चुअली ना टच में नहीं हूँ किसी से, तो मैं ये बात सोचना पड़ रहा है मुझे. ओके ओके ओके. नेहा मैम. नेहा दुबिया. Hashtag inspiration. निखिल सर. Hashtag OG विजय. गुरमीत सिंह. Hashtag the real fitness guy. Probably the fittest guy I've known. Hashtag Kavya. Hashtag to Kavya. Hashtag winner. Okay. Thank you so much, Varun. Thank you. आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा. जाने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि thank you for loving me for all these years and thank you for loving my work previously. अभी मेरा दो और शो आने वाले हैं, नाम ना पुनिशाओ कॉल मी वे, प्लीज़ गिव मी ऑल द लव बिकॉज आई नीड इट, मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई विल कंटिन्यू एंटरटेनिंग यू एंड आई एक्सपेक्ट ऑल द लव इन रिटर्न. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.